सबसे पहले गाइस ये बात सुन लो, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन सब्ट्रैक्शन को जान लो, बहुत ही ईजी है, इसका प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ है। और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ईजी है, अब देखोगे तो आपको लगेगा अरे तो बच्चन कर देते हैं, फिर बता रहे हैं सर भैया, तो वही बोल रहे हैं बहुत ईजी है, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ। पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन बता देते हैं, दोनों एक ही जैसा है, आपके रिजल्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, और आज के लिए बस इतना ही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तक, और फिर एग्जांपल डिस्कस करके आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहो, स्किप मत कर देना। तो चलिए एडिशन शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो ए आई जे बी आई जे, आपको आई जे और सब कुछ मैंने बता दिया था पहले, आई किसको बोलता है रोज सब कुछ बता दिया है। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो यार बेसिक्स के लिए वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, देख लेना जाकर प्लीज़। तो चलिए ए आई जे इज इक्वल टू, इसको एक मैट्रिक्स माने हैं, बी आई जे एक मैट्रिक्स माने हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ बस एग्जांपल से बता रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स है। अब बोलेंगे बाबू एडिशन कर रहे हो, दोनों को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? तो यहाँ पे देखो बात यहाँ ये है कि ए आई जे और बी आई जे ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस बी आई जे, सो ये दोनों मैट्रिसेस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन को देखना ध्यान से, ये ओरिएंटेशन यहाँ पे काम करेगा, बस यही ऐड होगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जगह। कहने का मतलब है ये मैट्रिक्स इसके साथ होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब आई जे जो पोजीशन है वो दूसरा का आई जे के साथ बराबर जिसका होगा उसी के साथ प्लस होगा। कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ वन वन है, यहाँ पे वन वन है, ए और बी वन वन है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा क्या, ए वन वन प्लस बी वन वन। चलो सही है। अब देखो ए वन टू है और बी वन टू है, अब ये दोनों जुड़ेगा बिकॉज आई जे सेम है, तो ए वन टू प्लस बी वन टू। इसको भी देखो टू वन टू वन, टू 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 सेम हो जाएगा, तो ए टू वन प्लस बी टू वन, यहाँ पे ए टू टू प्लस बी टू टू। सो ये हमको यहाँ पे आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। सो कुछ करना ही नहीं, सिंपली जो जिसके जगह में उसको बस जोड़कर वहाँ पे लिख देना और कुछ नहीं करना। सेम माइनस में भी सेम कंडीशन होता है, उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको देखने को पता चला, बहुत लोग पूछेंगे कि ये इसको इसका साथ ऐड किए, इसको इसका साथ क्या नहीं किए, इसको उसका साथ क्यों नहीं किए, ऐसे हो सकता है ना ओरिएंटेशन। तो देखो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स मैंने पहले ही बता दिया, इसका मतलब होता है यार कि कोई भी इंफॉर्मेशन को एक स्टोर करके रखना और पैटर्न में। अब एक्सेल शीट में जाओगे, एक्सेल शीट कुछ इस टाइप का रहता है आपका, देखे होगे यहाँ रॉ यहाँ कॉलम होता है। अब देखो उस एक्सेल शीट में कभी भी देखना, हर रॉ हर कॉलम का एक एड्रेस होता है, ठीक है, और कभी भी कोई फॉर्मूला लगाना रहता है तो वहाँ पे एड्रेस मेंशन करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक को आपको करना है। तो बस यही काम यहाँ पे एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है वन वन, इसका एड्रेस है वन वन, तो जो एड्रेस जिसका साथ रिलेटेड है उसी के साथ ऐड होगा, ये उसके साथ नहीं होगा। क्योंकि हम किसी को भी अरेंज करते हैं, अगर मान लो इसको बॉयज़ के अकॉर्डिंग या गर्ल्स के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो ये बॉयज़ होगा ये गर्ल्स होगा, या तो ये बॉयज़ होगा ये तो गर्ल्स होगा। तो अगर तुम ऐसे ऐड करो ऐसे ही इसी फॉर्म में ऐड होगा, देखो ये अगर ये इसको बॉय मानते हैं और इसको बॉय, तो ये बॉय बॉय का साथ ऐड होगा, बॉय गर्ल का साथ तो ऐड नहीं होगा, ठीक है, जस्ट वैसे ही। तो चाहे तुम इसको ऐसे देखो या वैसे देखो, रॉ के हिसाब से देखो, कॉलम के हिसाब से देखो, इस कंडीशन में सब कुछ सेटिस्फाई होता है, इसीलिए ऐसे ही ऐड होता है, क्रॉस नहीं ऐड होता। बस याद ही रखना है कि ये बस ऐसे ही नॉर्मली ऐड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नहीं है, दो मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव है, प्लस कर रहे हैं एक और मैट्रिक्स से वन थ्री सिक्स सेवन से, तो यहाँ पे क्या आएगा यार, टू वन हो जाएगा थ्री, थ्री थ्री हो जाएगा सिक्स, सिक्स सेवन फोर हो जाएगा टेन, और सेवन फाइव हो जाएगा ट्वेल्व। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, देखो समझ में आया कि नहीं, टू थ्री फोर फाइव है, वन थ्री सिक्स सेवन है, आया क्या, दो एक का साथ ऐड होगा तीन, तीन तीन का साथ छः, चार छः का साथ दस, पाँच सात का साथ बारह। बोलेंगे वाह कितना ईजी, इतना ईजी मैथ बोले तो एकदम बोर्ड में मार्क्स आ जाएगा, फुल मार्क्स, तो ईजी तो है। तो ये था एडिशन। सेम कंडीशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। सब्ट्रैक्शन को आप बोल सकते हो, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव करते हैं, जैसे कि ए आई जे बी आई जे, ये सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम करते हैं ए आई जे माइनस बी आई जे,
अब देखो हम माइनस लगाते हैं, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स को बस माइनस करते चलना है। तो इसका मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए वन वन माइनस बी वन वन, ए वन टू माइनस बी वन टू, ए टू वन माइनस बी टू वन एंड ए टू टू माइनस बी टू टू। कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए इस टाइप का मैट्रिक्स, यहाँ प्लस था या माइनस आ गया। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद प्लस आया माइनस आया कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इसको माइनस करते हैं बाई चांस यहाँ प्लस का जगह माइनस होता तो दो से एक जाता क्या आता, एक, तीन से तीन जाता तो जीरो, चार से छः जाता तो दो, पाँच से सात जाता तो माइनस टू, बस ये मेरे को मैट्रिक्स मिलता एग्जाम्पल के तौर पर। ये अगर इसको मान लेते हैं हम कुछ से रिलेट करते हैं ए से, इसको डिनोट करते हैं बी से, तो ए माइनस बी कितना आता, ये मैट्रिक्स आता। ठीक है, इतना सा हमको गारंटी है, हमको पता चल गया कि आप लोग को इतने बहुत इजीली समझ में आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लीकेशन समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा आप बताओ, आपको क्या लगता है कैसा प्रॉपर्टीज़ होगा। देखो नॉर्मली हम लोग जो नंबर ऐड करते हैं सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव वगैरह, ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल कि अगर ए को जोड़ेंगे बी के साथ तो वो बराबर होगा बी को ए के साथ जोड़ने से, मतलब या तो इसको उससे जोड़े या तो उसको उससे जोड़े, एक ही बात आने वाला है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल इसके साथ एक और एलिमेंट अगर ले लेते हैं सी आई जे, एक और एलिमेंट मान लो सी रहता, तब अगर इसमें बताओ अगर इसको बीच में रखते हैं, इसको आगे रखते हैं, इसको पीछे रखते हैं, इसका अगर मतलब ओरिएंटेशन मतलब इसका चेंज कर देते हैं, या तो कभी इसको आगे या तो इसको बीच में या तो इसको आगे, तो बताओ इसमें कोई भी आंसर में चेंज आता नहीं आता, बिकॉज जुड़ तो सब रहा है, सब उसी जगह में लिखा रहा है, तो कभी चेंज आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब इसका कोई भी प्लेस में ओरिएंटेशन इसके एलिमेंट्स का देखना है, आई जे का एलिमेंट्स का देखना, ओरिएंटेशन इसका प्लेस देखना है। ठीक है, इसका प्लेस को नहीं देखना, ये पूरा मैट्रिक्स का प्लेस को नहीं, मैट्रिक्स किसके साथ भी जोड़ो यार सेम ही आने वाला है। बस यही प्रॉपर्टीज़ है कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसके बाद ए को अगर बी प्लस सी का साथ अगर ऐड कर देते हैं तो इसको इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का साथ होगा, कुछ जो भी नॉर्मल सा लॉ होता है सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होगा। बट सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि दो को अगर पाँच से घटाए, सॉरी दो को अगर पाँच से घटाए और पाँच को दो से घटाए तो क्या दोनों बराबर होता है, नहीं होता, एक माइनस साइन लग जाता है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, अगर मैं नेगेटिव का बात करें मतलब कि सब्ट्रैक्शन का, तो अगर ए को बी से हम घटाते हैं तो वो किसका बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए का। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इजी रूल है, सिंपल सा नेगेटिव ऑफ। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन तो आपने जान लिया, यहाँ पे एक कंजुगेट भी होता है, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, वही सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक्चुअल में नेगेटिव साइन कुछ होता नहीं है मैट्रिक्स के आगे, हम लोग तो लगाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रोसेस जो है हम लोग जो कर रहे हैं इस जगह में हम लोग डायरेक्टली माइनस कर दे रहे हैं, इसको देख के यहाँ पे माइनस बैठा के कर दी, ऐसा होता है आंसर सही आएगा, बट एक्चुअल में प्रोसेस यहाँ पे ये माइनस होता नहीं यार, इसका में प्रोसेस में सिर्फ प्लस ही होता है। एक्चुअल में बोला जाए मैट्रिक्स का एडिशन ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस करके ब्रैकेट में करली ब्रेसेस ले लो, जो भी ले लो, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ लिख सकते हैं कि प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ दिस, तो यही आने वाला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है एडिशन ही एक प्रॉपर्टी मात्र होता है मैट्रिक्स का, नेगेटिव मतलब माइनस नहीं होता प्रॉपर्टी, माइनस तो बनाया गया है। ठीक है, और क्यों बनाया गया वो भी आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कंजुगेट, तो कंजुगेट आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कंजुगेट का पहले मल्टीप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लीकेशन कैसे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वही है, बार बार बोल रहे हो, उसको देखने के बाद ही हम लोग करेंगे क्या, कंजुगेट देखेंगे। कंजुगेट से आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, और याद देना अगर यहाँ पे दो को हम लोग किए तीन रहता तो सेम वही प्लस होता, बस इसका आपको पोजीशन को ध्यान रखना है, कौन कहाँ पे है बस उसी का साथ ऐड होगा, जहाँ आई जे टू टू का साथ टू टू होगा, थ्री थ्री का साथ थ्री थ्री होगा, फोर फोर का साथ फोर फोर होगा, थ्री टू का साथ थ्री टू होगा, बस इसका आई जे सेम होना चाहिए। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जान लिया है, चलिए एक डाउट क्लियर करना है बहुत जो बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा हो जाता है कि मान लो देखो एक ए आई जे ऐसा मैट्रिक्स है, बी आई जे एक ऐसा मैट्रिक्स है, सी आई जे एक ऐसा मैट्रिक्स है मान लेते हैं। ठीक है,
तो एक बात बताओ, किसको किसका साथ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, जो भी ऐड करना पॉसिबल है, बताओ क्या लगता है आप लोगों को? क्या हम AIJ को BIJ का साथ ऐड कर सकते हैं, AIJ को CIJ का साथ ऐड कर सकते हैं, कि BIJ को CIJ का साथ ऐड कर सकते हैं? किसको किसका साथ ऐड कर सकते हैं? सो पहला केस आता है AIJ BIJ को ऐड करने का। तो देखो ऐड तो होगा, आराम से होगा, A2 इसका साथ ऐड करेंगे, 3 को इसका साथ, 6 को इसके साथ, 4 को इसके साथ, 5 को इसके साथ, 7 को इसके साथ, लेकिन अभी नीचे वाला कॉलम कहाँ जाएगा, उड़ने चलेगा नहीं। सो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है हमको कि कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो तो दोनों का दो कंडीशन, दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ जितना भी मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जितना भी हो, वो सारा, सॉरी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जितना भी हो सारा सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर, इसी डेट इज IJ। कहने का मतलब है कि अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ यहाँ पॉसिबल नहीं, इसका सब नहीं, लेकिन ये देखो ये 3x3 का, ये 3x3 का। और ध्यान रखना, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो ये नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नहीं है ना, तो क्या ये नहीं चलेगा? जरूर चलेगा, कितना नहीं ऐड होगा, इसका जैसे और एक रहेगा तो ऐड हो जाएगा इजीली। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत अभी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं नहीं बोला जा रहा अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, बस यही है कि दोनों का सेम होना चाहिए IJ, इसका जितना IJ हो उसका भी उतना। जैसे कि यहाँ पे दो रो तीन कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। अब IJ किसका किसका सेम है, इसका इसका सेम है, तो ये दोनों ही बस ऐड हो सकते हैं और आंसर निकलेगा कि यार देख लो, -2 + 1 आ जाएगा -1, 7 2 हो जाएगा 9, 5 4 3 जाएगा 7, 3 4 हो जाएगा 7, -1 -5 हो जाएगा -6, 5 7 हो जाएगा 12, 6 8 हो जाएगा 14 और 7 2 9 और 8 और -1 हो जाएगा 7। कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स होगा ये दोनों का सम करने के बाद। बट ये सो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए एक NCERT से एक एग्जांपल देखते हैं। आपको NCERT विकल्प में दिख रहा होगा कौन सा एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन यार आज नहीं हो पाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का आज टाइम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बिकॉज बहुत वीडियो लंबा हो चुका है पहले पहले ही, और अब करेंगे तो यार बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाकी देखेंगे। बिकॉज अच्छा से बताना जो यार कंसेप्ट आपको समझना सबसे बड़ा जरूरी है, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कैसे बनाओगे आप ही बताओ। तो देखो यहाँ पर मिलता है कि x प्लस वाई अगर दिया हुआ है, ये वाई एक्स माइनस वाई, ये तो x और y फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इक्वेशन का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा और बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन का साथ मिलेगा, लेकिन वो मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन आपका शुरू ही नहीं हुआ, मैंने बताया नहीं तो कैसे क्वेश्चन बता दूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल से क्वेश्चन लिया है NCERT से ही। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट करते हैं, कुछ नहीं करना है यार, देख के समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा नॉर्मली अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो चलिए दोनों को एडिंग कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे मिलता है यहाँ पे 2x = 7025 + 3003। अब एडिशन तो आपको पता है क्या हो रहा है, बस ऐड करना है, 7300020238 आ गया मेरा 2x, ठीक है, ये निकालना क्या है x और y। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर 2x निकल गया है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि इसका आंसर निकालना है आपको 2x, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा। अब x बराबर अगर बोलूंगा, x कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो, x के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन जब मैं बताऊंगा, अभी मैं बता दूँ इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप जान लो। जैसे कि अगर 2 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1/2 लिखा जाएगा, बाहर ही एक स्क्वायर क्वांटिटी है इसलिए कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा। जैसे क्या होगा, ये 1/2 है, अभी हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/2, मतलब ये कुछ इस टाइप का आएगा। अब ऐसे लिख सकते हो नॉर्मली,
सब के अंदर टू लग जाएगा, इसके नीचे लगे तो जीरो ही आने वाला है। आंसर कितना आ जाएगा? 5 0 1 4। बी एक्स आपको पता है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो y निकल जाएगा, इस पे ही पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 7 0 2 5। यहां माइनस हो जाएगा, x इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस आएगा, तो माइनस होगा आपका 5 0 1 4। माइनस जब करें तो कितना आंसर आएगा? 7 5 आएगा 2 0 0 0 2 से हो जाएगा 1 5 जाएगा 4 तो 1। बस आ गया आंसर। तो ये था आपका एक एग्जांपल। मैंने यहाँ पे स्कैनर का यूज किया, ये मैं अभी नहीं बता पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का बहुत अच्छा से बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा से आपको समझ में भी आएगा। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर देख लेना, इसके आगे ही आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा भी और मेरे वीडियोस में भी दिख जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आगे के लिए वीडियोज के लिए, और शेयर करना यार ज्यादा से ज्यादा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस।